लंका प्रीमियर लीग 2023 के 14वें मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फैंस और क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों को धोनी की याद आ गई। दरअसल गाले टाइटंस और दाम्बुला ओरा के बीच मैच के दौरान लाहिरु समरकून को धोनी का स्टाइल में रन आउट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हुआ ये कि गाले टाइटंस की पारी के 20वें ओवर की पहली गेंद पर लाहिरु समरकून रन आउट हुए, लेकिन बल्लेबाज को रन आउट करने के लिए दाम्बुला टाइटंस के कप्तान और विकेटकीपर कुशल मेंडिस को धोनी बनना पड़ा। मेंडिस ने माही के अंदाज में बल्लेबाज को रन आउट करने में सफलता पाई, जिसे देखकर फैंस सोशल मीडिया पर धोनी को याद कर रहे हैं। होता ये कि 20वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज लेग साइड में शॉट खेलने के बाद दो रन लेने के लिए भागता है। ऐसे में फील्डर गेंद को पकड़ते हैं और विकेटकीपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन थ्रो सही नहीं रहती है, जिससे विकेटकीपर मेंडिस को गेंद पकड़ने के लिए अपनी जगह छोड़कर बल्लेबाज की क्रीज तक जाना पड़ता है। वहीं मेंडिस गेंद पकड़ते हैं और बिजली सी तेजी दिखाकर स्टंप की ओर फेंक देते हैं। वहीं बल्लेबाज खुद को रन आउट होने से बचाने के लिए डाइव मारता है, लेकिन बल्लेबाज रन आउट होने से खुद को बचा नहीं पाता है। इस तरह से धोनी बनकर मेंडिस बल्लेबाज को रन आउट कर देते हैं। मेंडिस के इस कमाल के एक्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। मैच की बात करें तो गाले टाइटंस की टीम पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाती है, फिर दाम्बुली ओरा की टीम 17.4 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच को 7 विकेट से जीत जाती है।